अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बाइनेंस के साथ की एक एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूँ, एक्सचेंज शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर आप पी टू पी वगैरह और सब कुछ इसके अंदर अच्छे से कर सकते हैं और इसके अंदर आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं, $3,000 तक अर्न कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है आपने और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी समझ आ सके। आप इसके अंदर अपना नंबर भी लगा सकते हैं, नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूँगा और जीमेल के थ्रू भी। पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, अगर आप इंडिया से हैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना, INDI कर देना, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने PAK लिखकर, या किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपने कंट्री का नाम यहाँ पे लिखेंगे और इसके आगे अपना नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपना नंबर लिखकर यहाँ पे जो है ना आपको साइन इन करके इसके अंदर मतलब अकाउंट बना के बता दूंगा। आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, पहले आपने पूरी वीडियो देख लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अकाउंट मतलब इसको जो है ना आपको बता दूंगा किस तरह से आपने करना है। नंबर लिखना है, नीचे स्ट्रांग पासवर्ड लिखना है, ठीक है, जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसी तरह कुछ ना कुछ और ऐड करना है और ये आप देख सकते हैं जो इसके जो सारी टिक है ना और सारे जो वो हैं वो हो जाने चाहिए। आपने टिक करके साइन अप कर देना है, आपके कोड आएगा एक नंबर के ऊपर, उसको आपने लगा देना है। और इसके अलावा दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको आपने कैप्चर को फिल करना है और इसके बाद आपके OTP एक आएगा, वो आपने लगा के इसको साइन अप कर लेना है। ये दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, तो इस तरह से अगर आपका अकाउंट बनाना हुआ आपने आप बना सकते हैं। उसके बाद जीमेल के थ्रू भी आप सेम इसी तरीका के साथ कर सकते हैं। जीमेल और मोबाइल नंबर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं जीमेल के थ्रू करना चाह रहा हूँ, मैं जीमेल के थ्रू करूँगा और यहाँ पे इसी तरह कैप्चर आएगा, तो मैंने कैप्चर को फिल करना है और उसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि कैप्चर फुल हो गया और इसकी सक्सेस का आ गया। अभी मैं यहाँ पे OTP लगाऊंगा और OTP मैंने यहाँ से जो है ना जीमेल के अंदर से निकाल के वहाँ पर लगा देना है, ठीक है। 700 137 है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं OTP वहाँ पर लगाऊँगा मेरा अकाउंट जो है ना वो सक्सीड हो जाएगा। मैं OTP लगा के नेक्स्ट करता हूँ। आपने भी सेम इसी तरह नेक्स्ट करना है और आपका अकाउंट क्रिएट होने के लिए आगे चला जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, 3,000 USDT यहाँ पे मुझे मिल सकते हैं। मैंने स्टार्ट नो पर क्लिक करना है, आगे फॉर्मेलिटीज़ में उनको आपने पूरा करना है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको मैं ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। मैं अभी इसको नहीं कर रहा, इसको मैं बैक कर रहा हूँ और 30 दिन अंदर अंदर आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप BFIC वगैरह यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं वो आप आसानी से ख़रीद सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। P2P मतलब आप इजी पैसा के थ्रू भी इसके अंदर पे खुद भी कर सकते हैं और वैसे भी आप सेल भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर इजी पैसा के थ्रू वगैरह आप ना कीजिएगा। आप इसके अंदर USDT ट्रांसफ़र करें और वहाँ से जो है ना आप BFIC लेना चाह रहे हैं, कुछ भी लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी इसका रेट जो है ना 18.7 चल रहा है और इसकी प्राइस जो है ना वो जो BeLove की ऐप है वहाँ से और इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये तकरीबन $4-5 का कम अज़ कम फ़र्क होता है। और इसके ऊपर जब आप परचेज़ करते हैं, इसके अंदर से आप ख़रीदते हैं, उसके ऊपर भी $4 का आपको वो आता है टैक्स, ठीक है। तो इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, BitMart इसका नाम है इस एक्सचेंज का। तो इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। इसके आगे एक दो और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो आप देख लें। इसको वेरीफ़ाई कैसे करना है, अगर आप वेरीफ़ाई नहीं करेंगे आपका अकाउंट जो है ना वो अगर डिपॉज़िट करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। डिपॉज़िट आपका जितना भी होगा ना वो आपका ज़ाया हो जाएगा अगर आप इसके अंदर KYC अपनी फेस की वेरिफिकेशन या अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो आपने प्रोफाइल के अंदर आना है, आपने ऊपर दोबारा जो आपका जीमेल है वहाँ पे क्लिक करना है और जहाँ पे लिखा हुआ है ना वेरीफाई नाउ, यहाँ पे आपको मतलब अपनी वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपने देकर अपनी फेस वेरीफिकेशन लाजमी कर लेनी है ताकि आपको कोई भी इशू ना हो, ठीक है। और इसको आपने मुकम्मल करके जब आपका यहाँ पे इंटर करेंगे आपका वो सब चीज़ें मांगेगा, आपका कंट्री वगैरह, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा मतलब सब चीज़ें आपने यहाँ पे दे देनी है। कंट्री मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है ना फ़र्स्ट नेम, ठीक है, मेरा फ़र्स्ट नेम जो भी होगा मैं यहाँ पे दे के लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ देकर तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। कंफर्म करके तो मेरा वो जो है ना आगे चला जाएगा। आगे आपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट के थ्रू आपने फेस वेरीफिकेशन कर लेनी है, मतलब हाथ में पकड़ के पिक्चर वगैरह लेनी होती है, वो आपको गाइड करता रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा या कुछ भी समझ नहीं आता, व्हाट्सएप के ऊपर आएँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सब कुछ मैं तफसील के साथ गाइड कर दूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएँ वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।